नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्फ मिरर, हर पल आपके साथ। हाथ का दबे और टी की आवाज करता है मशीन, वो टी की आवाज मुझे जयपुर में सुनाई पड़ जाए कि यहाँ पूर्णबाजी का बदल कर देगा, ये बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास दिलाने के लिए जितने लोग यहाँ खड़े मेरी बात सुन रहे हैं, जो हाथ लेकर कर यहाँ पूर्णबाजी को आशीर्वाद देने की बात करो, ऐसा झारखंड में करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री उसी वर्ग से आते हैं और जब कांग्रेस ने वादा कर दिया तो मुख्यमंत्री जी को लगा ये तो मिस्टेक हो गई है, तो अब वो भी वादा करने जा रहे हैं। लेकिन आप पूछिएगा उनसे कि 5 साल आप सत्ता में रहे, आपने 5 साल में काम क्यों नहीं किया। चुनाव आया तो लोगों को भ्रमित करने के लिए आप इस बातों को कह रहे हैं। इस जनता का भविष्य, झारखंड का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। हम सब लोग तो आपसे निवेदन कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, लेकिन आपको सच्चाई का साथ देना है, अच्छी साफ छवि के उम्मीदवारों को चुनना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन बातों को आज पूर्णा जी ने कहा, मैं तो पहली बार इनका भाषण सुना है, मैंने आरपीएन सिंह जी को कहा कि इस क्षेत्र में अगर ऐसी नौजवान पढ़े लिखी महिला को आप अपना उम्मीदवार बनाओगे, विधानसभा भेजोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर इनका सहयोग करेंगे। और सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने हमेशा नौजवानों को मौका दिया, हमें भी मौका दिया था। राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष मुझे बनाया 6 साल पहले, हम लोगों ने वहां संघर्ष किया और आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से आज राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, आज मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, आज छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और भाजपा के नेता सपना ले रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में भी यहाँ कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बन चुकी है, इसलिए वही परिणाम भाई सिंह जी ने, अजय जी ने की है, सभी कांग्रेसजनों को एकजुट रखा। और मैं तो भाजपा के नेता को बताना चाहता हूं कि जनता की गोद किसी की जेब में नहीं है, जनता जनार्दन है, जिसका बटन दबेगा वो ही राज करेगा। आज मैं निवेदन आपके बीच में करने के लिए आया हूं, बहुत कम समय रह गया, अभी तो 72 रह गए, 1 घंटा और कम हो गया, 71 घंटे रह गए। आपको अपनी बहन को, अपनी बेटी को आशीर्वाद देना है और मैं तो आज प्रचार करके वापिस आ जाऊंगा जयपुर में, लेकिन जब मतगणना होगी, जब पेटियां खुलेंगी, तो मैं चाहता हूं एक नया इतिहास यहां पे रचा जाए। चाहता हूं मेरा आना यहां पे तब कामयाब है जब मतदान के दिन आप बटन दबाओ, बनने के बाद, गठबंधन की सरकार बनने के बाद उस पर हम लोग काम करेंगे। साथियों, हम लोगों ने मन बनाया है, हमारा गठबंधन यहां पे सरकार बनाने तो झारखंड का जो भविष्य है उसको सुनहरा बनाने के लिए उन सब लोगों की दुकान बंद करेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार करके 5 साल तक झारखंड को लूटा है। आज मैं आपके बीच में आया हूं राजस्थान से चलकर, और मैं जानता हूं कि राजस्थान के भी अनेकों यहां पे ऐसे परिवार बसे हुए हैं जिन्होंने पीढ़ियों से झारखंड में यहां पर अपना व्यवसाय किया है, काम किया है। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं नौजवानों से कि इस चुनाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे नौजवान होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 साल तक दिल्ली में और झारखंड में जब सरकार आपकी बनी, आपने इस प्रदेश के लिए क्या किया, कितने कारखाने खोले, कितने रोजगार पैदा किए। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से कि आप आरोप आरोप लगाते हो, आज जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं उनको दिवालिया दिखा के आप बेचना चाहते हो, 150 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, लेकिन कोई ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री को जवाब देने को तैयार है। हम लोगों ने संकल्प लिया साथियों, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए जैसा यहां की जनता चाहेगी वैसा ही विकास पूर्णिमा जी यहां विधायक बनने की बात करेंगे। और मुझे इतनी खुशी हुई है यहां पर आज सभी कांग्रेसजनों को एकजुट देखकर, हमारे आरजेडी के, जेएमएम के तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं, और आने वाले मतदान के दिन आप सभी लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताओगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमने जो घोषणा पत्र में वादा किया है, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं और इस क्षेत्र में
अपनी बहन बेटी को आशीर्वाद दे ताकि गठबंधन की सरकार झारखंड में बने और 5 साल से जो विकास रुका हुआ था उसको दोबारा चालू करें। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को कि 5 साल पहले इसी झारखंड की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था, केंद्र में सरकार बीजेपी की रही, प्रदेश में सरकार बीजेपी की रही, कोई कारण नहीं है कि यहां के गरीब और मजदूर लोग, इस क्षेत्र के लोगों को जो हटाने की योजना बन रही है, विस्थापना की योजना बन गई, लेकिन कहां पे जाके यहां के लोग रहेंगे, मकान, खाना, रोजगार, इस पर कोई विचार दृश्य नहीं किया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारे घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हर घर में एक नौकरी दी जाएगी, किसानों का ऋण माफ किया जाएगा और झारखंड में जो मजदूरों के हालात हैं, जो लोग इन हाथों से मेहनत कर अपना परिवार का, प्रदेश का, देश का पेट पालते हैं, जो कैमरा यहाँ 1.5 महीने से इस चुनाव, और उन्होंने कहा कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव है लेकिन झरिया विधानसभा क्षेत्र जहां पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है और इस बार सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने एक जाबाज होनहार पढ़ी लिखी महिला को टिकट दिया है, उन्होंने मुझे कहा कि आपको झारखंड आना है लेकिन झारखंड जिला में जरूरी झरिया आना है और झरिया की यहां के लोगों की बात सुनकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करना है। ये सीट पूरे राज्य में आज एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन आप और हम सब जानते हैं इस क्षेत्र में क्या घटनाक्रम रहा। आज समय आ गया है जब झारखंड की भाजपा सरकार का जाना तय हो चुका, समय आ गया जनता अपने हाथ में झारखंड का भविष्य को ले और अब